आप हिंदू कहते हो, आप हिंदू धर्म को समझते नहीं हो। आप चक्रव्यूह बनाने वाले लोग हो। आपका हिंदू जिससे आप लोग डरते हो, कांपते हो, वो है जाति जनगणना। जाति जनगणना इस हाउस में, इस सदन में पास करके हम आपको दिखाएंगे। ये देखिए सर, प्लीज, ये देखिए सर, एक फोटो देखिए, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, प्रतिप्रश्न, एक मिनट, एक मिनट। मैंने पहले भी आपसे अपेक्षा की थी, अब आप प्रतिपक्ष के नेता हैं, संवैधानिक दायित्वों पर क्या सर? ओके, एक और फोटो दिखा रहा हूँ, एक फोटो दिखा रहा हूँ, एक मिनट। आपने टीवी ऑफ कर दिया सर? नो नो, टीवी कोई ऑफ नहीं है। वो देखिए सर, ऑफ हो गया। मेरा फोटो दिखा, कोई नहीं ऑफ सर। ऑफ है सर? नो सर, दिखाइए सर, एक ऑफ है सर। नो, आप टीवी ऑफ कर लेते हो। प्लीज आप बैठिए, एक बात सुनिए। ओके सर, नहीं नहीं सर, आप अपोलोजाइज सर। नहीं नहीं, नो अपोलोइज, मैं आपको अपोलोइज के लिए लिखे रहा। आप प्रतिपक्ष के नेता है तो मेरी ये अपेक्षा रहती है कि सर, ये देखिए सर, बंद होगी। आप सदन की मर्यादा को रहे सर, जब भी मैं उसको हटाना चाहता हूं मुझे ये करना है सर, वो हटवा देखो आगे। क्या डर रहे हैं सर फोटो से? शिव जी के फोटो से डरते हैं सर, इस फोटो से डरते हैं। अभी पोस्टर नहीं आने दूंगा, गलत तरीका है, नहीं आने देंगे, पोस्टर नहीं लेने देंगे सदन में सर, गलत तरीका है सर। सर सर सर, फोटो दिखाना गलत नहीं है सर, आपकी परमिशन लेके, परमिशन लेके, परमिशन नहीं है सर, मैं ये फोटो दिखाना चाह रहा हूँ, नियम के तहत समझाना चाह रहा हूँ, नियम के तहत परमिशन नहीं है मान्य। अच्छा सर, मैं ये फोटो समझाना चाह रहा हूँ सर, इसमें ये जो बजट का जो हलवा है सर, ये बट रहा है, और इस फोटो में सर मुझे एक ओबीसी अफसर नहीं दिख रहा, एक आदिवासी अफसर नहीं दिख रहा, एक दलित अफसर नहीं दिख रहा मुझे। ये हो क्या रहा है सर? सर देश का हलवा बट रहा है सर, और इसमें 73% का एक है ही नहीं सर। ये आप लोग हलवा खा रहे हो और बाकी देश को हलवा मिल ही नहीं रहा है। ठीक है सर, 20 लोगों, 20 अफसरों ने बजट को तैयार किया, हमने पता लगाया, 20 अफसर, शांत हो जाइए प्लीज सर, 20 अफसरों ने, उनके नाम मेरे पास है, अगर आप नाम चाहते मैं दे दूंगा, 20 अफसरों ने हिंदुस्तान का बजट तैयार किया है, मतलब हिंदुस्तान का जो हलवा है 20 लोगों ने बांटने का काम किया है। अब स्पीकर सर, उन 20 लोगों में से 90% लोगों में से, 90% लोगों में से सिर्फ दो हैं, एक माइनॉरिटी और एक ओबीसी, और इस फोटो में एक भी नहीं है, मतलब फोटो में आपने पीछे कर दिया, वो भी पीछे चल गया, फोटो में तो आने नहीं दिया आपने, कोई नहीं आ सकता। और मैं चाहता था कि बजट में जाति जनगणना की बात उठे, जो पूरा देश चाहता है, 90% हिंदुस्तान जाति, 95% जाति जनगणना चाहता है। कौन चाहते हैं? दलित चाहते हैं, आदिवासी चाहते हैं, पिछड़ा वर्ग चाहता है, गरीब जनरल कास्ट के लोग चाहते हैं, माइनॉरिटी चाहते हैं, सब चाहते हैं, क्योंकि सब लोगों को यह पता लगाना है कि हमारी भागीदारी कितनी है, हमारी हिस्सेदारी कितनी है। हिंदुस्तान का नेचर अलग है, हिंदुस्तान के नेचर के बारे में अब मैं आपको बनाना चाहता हूं। हर धर्म में चक्रव्यूह के खिलाफ फॉर्मेशन होता है, हर धर्म में, माननीय सदस्य आप जानते हो, हिंदू धर्म में, हिंदू धर्म में चक्रव्यूह का ऑपोजिट क्या होता है जानते हो आप? आप चेयर को एड्रेस, मैं बताता हूं सर, शिव की बारात होती है सर, शिव की बारात में कोई भी आ सकता है, किसी भी धर्म का कोई भी व्यक्ति आ सकता है, बारात में आ सकता है, नाच सकता है, गा सकता है, अपना सपना देख सकता है। सर गुरु नानक जी, सिखों की बात करी जाए तो सेवा करने से किसी को नहीं रोका जा सकता है, लंगर से किसी को बाहर नहीं फेंका जा सकता है। सर इस्लाम में कोई भी मस्जिद में आ सकता है, चर्च में कोई भी घुस सकता है, संघ में कोई भी आ सकता है सर, मगर इनके चक्रव्यूह में सिर्फ 6 लोग हैं सर। तो ये लड़ाई
शिव की बारात और चक्रव्यूह के बीच में है। हम चक्रव्यूह तोड़ते हैं, हम चक्रव्यूह तोड़ने का काम करते हैं। मनरेगा, हरी क्रांति, आजादी, कॉन्स्टिट्यूशन, ये चक्रव्यूह को तोड़ने के काम है। इससे देश में खुशी आती है, डर मिटता है, कॉन्फिडेंस आती है। आप पद्मव्यूह चक्रव्यूह बनाने का काम करते हो। चक्रव्यूह शिव की बारात को हटाया हरा ही नहीं सकता है। आप अपने इतिहास को देखिए, आप अपने आप को हिंदू कहते हो, आप हिंदू कहते हो, आप हिंदू धर्म को समझते नहीं हो। आप चक्रव्यूह बनाने वाले लोग हो। आपका हिंदू बोगस, बोगस, बोगस। तो कहना है सर, ये जो आपने चक्रव्यूह बनाया है, इस चक्रव्यूह से करोड़ों लोगों को नुकसान हो रहा है, दर्द पहुंच रहा है, और हम इस चक्रव्यूह को तोड़ने जा रहे हैं। और तोड़ने का सबसे बड़ा तरीका, जिससे आप लोग डरते हो, कांपते हो, वो है जाति जनगणना। और जैसे मैंने कहा था कि इंडिया गठबंधन गारंटीड लीगल MSP इस सदन में पास करेगी, वैसे ही मैं कह रहा हूं, आपको अच्छा लगे ना लगे, जाति जनगणना इस हाउस में, इस सदन में पास करके हम आपको दिखाएंगे। You love, you fool.